The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। मेरठ के भावनपुर इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है जब खुले आसमान के नीचे सर्द रात में ठिठुरते हुए रिटायर्ड हवलदार पत्ते खा रहे थे। पुलिस का क्रूर, सख्त और अमानवीय चेहरा तो अक्सर सामने आता रहता है, मगर इसके विपरीत मेरठ पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए पत्ते खा रहे रिटायर्ड हवलदार को पहले तो कपड़े पहनाए और फिर खाना खिलाया। इसके बाद थाने ले जाकर घर परिवार की जानकारी ली और परिजनों को बुलाया। पुलिस ने रिटायर्ड हवलदार के बेटे को बुलाया। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के भमरोली गांव के रहने वाले हरदीप सरोही, जो कि हवलदार का बेटा है, उसने बताया कि उनके पिता सत्येंद्र सिंह फौजी 2002 में बीएसएफ में हवलदार पद से रिटायर्ड हुए थे। उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है और नौचंदी क्षेत्र के गढ़ रोड स्थित एक चिकित्सक से उनका इलाज चल रहा है। 29 दिसंबर को वह गाड़ी में पिता को लेकर आए थे और क्लिनिक गए थे, तभी पिता अचानक गाड़ी से निकल गए थे। थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी, जिसके बाद आज उनकी तलाश पूरी हो गई। देखिए उस दौरान की वीडियो। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने इस बारे में यह जानकारी दी। रिटायर्ड फौजी था जो मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। उसके घर वाले उसको इलाज के लिए थाना नौचंदी के अंतर्गत एक अस्पताल में लाए थे, जहां से वो उस बीमारी की वजह से शायद वहां से निकल गया था, मतलब अस्पताल से बाहर चला गया था, और घर वाले उसको ढूंढ रहे थे। और इसी बीच उन्होंने थाना नौचंदी के अंतर्गत 29 तारीख के आसपास वहां पर एक गुमशुदगी भी लिखाई थी, और कल वो लावारिस हालत में पीआरवी को मिला। पीआरवी ने उससे पूछताछ की और उसके बाद उनके परिजनों से संपर्क किया तो पता चला कि बुलंदशहर का रहने वाला वही फौजी है, रिटायर्ड फौजी है, जो कुछ दिनों पूर्व अस्पताल से चला गया था, भाग गया था वहाँ से, और उसके घर वालों से संपर्क किया गया बुलंदशहर, और जिसके उनके जो घर वाले हैं उनको लेकर गए हैं, और जिसमें पीआरवी ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट फ्लाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्धमान एकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान एकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।